आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर. ओके व्यूवर्स, उनकी ओवरऑल थिंकिंग क्या है आपके लिए. आज हम ये चेक करेंगे. ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, लेकिन हो सकता है काफी लोगों से मैच भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं जरूर. ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें मिस कर पाए. साथ ही ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस है. जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ये रीडिंग, तब भी आपसे मैच कर सकती है, चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद पहुंचे हों. ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग सभी सिचुएशंस के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, स्टिल ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है. चाहे आपकी क्रश की सिचुएशन है तो भी ये आपसे मैच कर सकती है. ओके, तो चलिए यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करते हैं हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी सोच क्या है आपको लेकर. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट शफलिंग. उनकी सोच आपको लेकर. ओके, उनकी सोच क्या है आपको लेकर. यूनिवर्स, उनकी सोच क्या है आपको लेकर. ओके, द चैरियट देख सकते हैं. उनकी सोच आपको लेकर. ओके, सेवन ऑफ कप्स है अगला कार्ड. उनकी सोच आपको लेकर. ओके, दिस इज नॉट वॉट वी आर सपोज टू डू. ओके यूनिवर्स, प्लीज वन मोर कार्ड. No, not like that. Okay, I think I have to take that card. Okay, Four of Pentacles. तो यहाँ हम clarify करते हैं सबसे पहले the chariot को. उनकी सोच क्या है आपको लेकर. Why the chariot card is here. Universe, please tell us. चैरियट कार्ड इज हियर. ओके, प्लीज टेल अस. ओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, नाउ हम क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स. नाइट ऑफ कप्स. ओके, now let's clarify four of cups and we just need one card. Two of pentacles. So four of pentacles ko clarify kiya hai two of pentacles ne. Nice. Energy of deck hai ace of wands. I hope you can see ace of wands. Yahan rakh dete hain wands ko. Ace of wands. Chaliye. आई होप आपको ये कार्ड्स विजिबल होंगे. ओके, तो चलिए यहाँ हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कि ये जो आपके पर्सन हैं इनकी सोच क्या है आपको लेकर. पहली बात तो मुझे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही ज्यादा पजेसिव हैं. उन्हें यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि आप किसी और के पास जाएं या कोई आपके पास आए या आपका कोई और कनेक्शन बने या कोई आपका कनेक्शन बनना चाहे. उन्हें किसी भी बात में स्वीकार नहीं है कोई भी बात ऐसी, क्योंकि वो आपको लेके काफ़ी पजेसिव लग रहे हैं. यहाँ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी, कह सकते हैं कि उनकी एज कितनी भी हो लेकिन थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकती है As compared to you viewers, आपके comparison में आपके जो person है थोड़े से immature behave कर सकते हैं. ओके, हाँ, इसमें age matter नहीं कर रही है उनकी, लेकिन वो
काफ़ी पजेसिव हैं आपको लेके, और इमेच्योर भी हैं थोड़े, और काफ़ी मेच्योरिटी आपको झलकती भी होगी उनके व्यवहार से। तो यहाँ पर पजेसिवनेस है और ऐसा उन्हें पसंद भी नहीं है कि आप किसी और से बात करें, उन्हें इतना भी नहीं पसंद, वो इतना भी स्वीकार नहीं सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हों, उनकी लाइफ में कोई दो परिस्थितियां हों ऐसी, जैसे उनका परिवार और आप भी हैं, या फिर उनका करियर और आप, या कुछ भी हो सकता है जो दूसरा हो। ओके, सेकंड जो चीज़ है उनकी लाइफ में, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके साथ साथ दूसरी सिचुएशन को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आपके ऊपर ध्यान नहीं है। इनफैक्ट वो आपके लिए काफ़ी पजेसिव हैं और आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन है उनके अंदर, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ। मुझे यहाँ व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा है कि वो आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके जो पर्सन हैं वो डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी दिन में दिन के समय वो कुछ भी काम कर रहे हों, कहीं भी हों, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा आप रहते हैं, वो आपको लेकर इमेजिन करते रहते हैं फ्यूचर के बारे में कि आप साथ होते तो ऐसा करते हम, वैसा होता वैसा होता, तो ऐसा वो इमेजिन बहुत कर रहे हैं और आपको लेके डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। आप उनके ख्यालों से कहीं जा ही नहीं रहे हैं, आप उनके ख्यालों में ही हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, तो उनका काफ़ी मन हो जाता है कि वो आपको ऑफर कर दें कुछ, आपको ऑफर कर दें एक रिलेशनशिप, आपको अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर दें, जिस तरह से वो आपके लिए पजेसिव हैं, क्यों हैं, क्या है, वो आपको एक्सप्रेस कर दें, ऐसा मन तो करता है उनका। लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि जैसे उनका मन तो है लेकिन वो रुक जाते हैं बार बार। उनका मन करता है लेकिन वो बार बार रुक जाते हैं, वह अपने आप को रोक लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशंस बन जाती हैं उनके दिमाग में, जो मैंने आपसे कहा दो सिचुएशंस हो सकती हैं, इस सिनेरियो में भी यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही हैं, जहाँ वो एक तरफ कह रहे हैं कि चलो एक्शन लो, उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करो, और वहीं एक तरफ वो रुक जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्लो है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि वो आपके मामले में इमेजिन तो बहुत करते हैं, आपको लेकर पजेसिव तो बहुत है, लेकिन आपके आगे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, आपको देखकर एकदम नर्वस से हो जाते हैं, या तो ओवर बातें करने लगेंगे आपके आगे, या एकदम शांत हो जाएंगे, इग्नोर करने लगेंगे, क्योंकि आपके आगे उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं बिहेव कैसे करूं। तो यहाँ पर इस तरीके का उन्हें, इसको हम कॉन्फिडेंस इश्यूज भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर जब कॉन्फिडेंस इश्यू होता है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या जिसको इतना विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि मैं एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी फीलिंग्स तो कुछ बुरा नहीं होगा, ये चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, इतना फेथ नहीं है अपने ऊपर, तो उसको कॉन्फिडेंस इश्यू बोलते हैं, और जो आपके पर्सन को लग रहा है मुझे कि है। यहाँ पर चैरियट का कार है व्यूवर्स, ऐसा लग रहा है कि अब तक उन्होंने जो देर की वो देर की, अब तक उन्होंने जितना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, ओके, अपने आप को कंट्रोल करते रहे, या कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, या फ्यूचर के लिए बात को टालते रहे कि बाद में हम एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन यहाँ अब ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग ऐसा बनेगा कि वो आपकी तरफ फौरन एक्शन लेना चाहेंगे, आपकी तरफ मूवमेंट का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे वो, ओके, क्योंकि पूरा वो रेडी हो जाएंगे आपकी तरफ आने के लिए और आपको ऑफर करेंगे। ओके, वो आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफर करेंगे। व्यूअर्स, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि सेवन से रिलेटेड यहाँ कुछ है, आपके जन्म की तारीख, आपके पर्सन के जन्म की तारीख, या आप दोनों के जन्म का महीना, या जब से आप लोगों ने बात की है वो तारीख, या सात महीने हो गए होंगे, या सात हफ्ते हो गए होंगे, बात हुई है या बात नहीं हुई है, कैसी भी सिचुएशन होगी, आपका सेवन नंबर कुछ यहाँ पर बताना चाह रहा है। और ये व्यूअर्स आपके लिए लकी भी है, क्योंकि ऐसे ऐसे योग बनेंगे, यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे
जब आपके पर्सन ऐसा डिसीजन लेंगे कि उनमें जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो प्रॉब्लम चली जाएगी, वो अपने आप को इतना अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाएंगे, अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग कर लेंगे, वो आपकी तरफ फिर एक्शन ले पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में बहुत समय लगेगा, नहीं समय नहीं लगेगा, काफ़ी लोगों को 7 तारीख तक एक्शन मिल सकता है। आप जब भी देख रहे हो, जब भी 7 तारीख आपके निकट हो, ओके, या ऐसा हो सकता है कि 7 दिन बाद, 7 हफ्ते बाद, ऐसा कुछ है। व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो, आपके धर्म अलग अलग हो, रिलीजन में डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो, एक फाइनेंशियली बहुत ही वेल टू डू हो और एक फाइनेंशियली वीक हो, हो सकता है आपकी उम्र में भी एज गैप भी है आप लोगों में, और इमेच्योरिटी तो है आपके पर्सन में। ओके व्यूअर्स, तो चलिए यहाँ हम इस रीडिंग को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। उनकी सोच तो व्यूअर्स आपके लिए ये है, काफी कार्ड्स पॉप आउट हो गए थे व्यूअर्स, 3-4 थे तो मैं नहीं ले सकती थी। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको ये खरीद के दे दें, वो खरीद के ले दें, यहाँ घुमाने ले जाएं, वहाँ घुमाने ले जाएं। हो सकता है अगर फीमेल्स भी हैं तो वो भी आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, गिफ्ट करना चाहती हैं, लेकिन यही है कि हो सकता है उनको फाइनेंशियल इश्यूज हों इसीलिए नहीं कर पाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अपनी फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से शर्माते हैं, ये भी हो सकता है। शर्माते हैं मतलब झिझक जाते हैं कि मैं क्या ही ऑफर कर पाऊंगा इस पर्सन को ऐसे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं। केमिस्ट्री व्यूअर्स, लेकिन यहां पर आप दोनों के बीच केमिस्ट्री की कोई कमी नहीं है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो मैसेज आया है देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो इसका मतलब ये है व्यूअर्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोगों में अट्रैक्शन बहुत है, आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, और ये केमिस्ट्री का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप दोनों में बहुत केमिस्ट्री है। ओके, एक स्पार्क है आप दोनों में, आप दोनों कितना भी दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन वापस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। आपके पर्सन का कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या? आई एम सॉरी, मतलब कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं, छोटा एक्सीडेंट जिसमें पैरों में चोट लगी हो उनके, या हाथ में लगी हो, सर में भी चोट लगी हो सकती है, कभी पहले आपको बताया हो उन्होंने, मुझे इंट्यूटिवली लगा ऐसा। ओके ओके, यहाँ एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके व्यूअर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड है ये, तो यहाँ पर यू हैव बीन नोन ईच अदर बिफोर, यानी आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, यानी व्यूअर्स आपका जो कनेक्शन है यहाँ पर इतना अट्रैक्शन, इतनी केमिस्ट्री इसलिए भी है क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, आप पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, पिछले समय से एक दूसरे को जानते हैं, ये आपका पहला रिलेशनशिप नहीं है, आप पहली बार एक दूसरे से नहीं मिले, ये कनेक्शन पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके चलिए एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, यहाँ पर हम ये कार्ड अनफोल्ड, दो कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, नो, नॉट लाइक दिस अगेन। ओके, लेट मी टेक वन कार्ड।
दिस कुड बी द वन, ओके दिस कुड बी द वन व्यूअर्स. तो यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, इसका मतलब व्यूअर्स यही है कि यही है वो जो आपके पार्टनर बनेंगे, जो आपका डेस्टाइंड कनेक्शन है, जो डिवाइन ने आपकी लाइफ में कनेक्शन लिखा है, वो यही कनेक्शन है, ओके यही पार्टनर हैं आपके. क्योंकि यहाँ पर मैसेज है दिस कुड बी द वन, मतलब वो यही हैं आपके सोलमेट जिन्हें आप जगह जगह ढूंढ रहे हैं, अगर तो यही पर्सन है वो, पहचान लीजिए इन्हें, ओके. चलिए यहाँ हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, ओके ये जो आपके पर्सन है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं. ओके यहाँ चार मैसेजेस हैं हमारे पास. वी विल बी टुगेदर अगेन, यानी आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम दोबारा से साथ होंगे, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आप दोबारा मिलेंगे, इस लाइफ में आपका रीयूनियन होगा, ओके आप सोलमेट्स हो सकते हैं. यहीं तक था सफर अपना, ये व्यूअर्स उनका जो डर है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी कभी डर लगता है कि आप किसी के पास चले ना जाएं, कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया, वो आपको आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो डरते हैं और कहते हैं यहीं तक था सफर अपना. ओके आई विश यू वर माइन. तो व्यूअर्स अगर ये मैं पॉजिटिवनेस वाली बात जो बोल रही थी, अगर व्यूअर्स आपका आपको कोई और मिल रहा है या आपको कोई और एंटरटेन कर रहा है, या आपके पर्सन जानते हैं कि कोई और भी है जो आपको पसंद करता है या पाना चाहता है, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं. अगर आप अपने पर्सन की लाइफ में अभी है नहीं, आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इसमें से कोई भी सिचुएशन है अगर आपकी, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि काश आप मेरे होते. क्योंकि अगर अभी आप उनके नहीं हैं, उनसे दूर हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि काश आप मेरे होते. क्योंकि मैंने कहा भी था कि वो आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, और इंसान ड्रीमिंग जब ही करेगा जब आप उनके पास नहीं हैं. तो व्यूअर्स अगर आप उनके पास नहीं हैं, आप उनसे दूर हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि काश आप मेरे होते. यहाँ पर अगला मैसेज है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग. आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने सब खराब कर दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने सब गड़बड़ कर दी. यानी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी डिफरेंसेस आए, वो सब आपके पर्सन की वजह से आए. अगर वो सही समय पर सही निर्णय लेते तो ऐसा ना होता, ये डिफरेंस, ये नो कॉन्टैक्ट, ये ना होता. ओके व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं और यही तक वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं. ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग. बताइएगा मुझे कि ये आपको कैसी लगी, कितने परसेंट आपसे मैच हुई, कितने परसेंट आपसे मैच नहीं हुई. आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं अपना मेरे बारे में, रीडिंग के बारे में सजेशंस दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं. ओके व्यूअर्स, यहाँ पर आपने अगर मेरे वीडियो को देख लिया है, ओके अंत तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, देन आप लाइक करें मेरी वीडियो को. वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी किसी टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ आपको ईजिली नोटिफाइड हो जाएगा. और मैं रीडिंग्स के दौरान जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप वो मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय.